भोज स्वास्थ्य संस्थान के निर्देशक डॉक्टर दीपेंद्र शर्मा के द्वारा आयोजित सुपर 60+ शिविर में वृद्धजनों का निःशुल्क स्वास्थ्य प्रशिक्षण किया गया। डॉक्टर मितेश महाजन ने जानकारी दी अपने स्वास्थ्य की देखभाल कैसे करें। सामाजिक कार्यकर्ता का सहयोग रहा PLB सलोनी राठौर दुर्गेश नगर 26 श्रीवास्तव द्वारा जम्बा डांस और व्यायाम कराया गया। जब भी ब्लड प्रेशर या शुगर हो तो हमें 4-5 अंगों का विशेष ध्यान रखना है, आंखों का, हृदय का और गुर्दों का और हमारे पाँव का। शुगर में पाँव का ध्यान वैसे रखना जैसे हम चेहरे का ध्यान रखते हैं। शुगर की हमें बीमारी बताई है किसी ने तो हमें अपने पाँव का ध्यान वैसे रखना जैसे हम चेहरे का ध्यान रखते हैं। हम लोग चेहरा हर रोज होते हैं, हर रोज देखते कि कुछ हो तो नहीं रहा चेहरे पर, तो रात में सोने के पहले हमेशा तलवे देख कर सोएंगे अपने कि कोई खा हुआ तो नहीं हो रहा है, कोई काटा वाटा तो चुभा हुआ नहीं है। क्योंकि शुगर में क्या होता है कि हमारे जो नसें होती हैं उनकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है। यदि कोई काटा चुभा भी है हमें तो हमें मालूम नहीं पड़ता कि काटा चुभा है मुझे। हमेशा जूते अच्छे पहनेंगे, कपड़े भले ही पुराने होंगे चलेगा लेकिन जूते हमेशा अच्छे होंगे। यदि डायबिटीज है ही अपने को तो जूते हमेशा अच्छी क्वालिटी के पहने थे, जूतों में छेद नहीं हो ये ध्यान रखें। शुगर में समस्या बहुत कॉमन है, हम देखते हैं डायबिटिक फूड नामी समस्या होती है, छोटा सा काटा चुभा व्यक्ति को मालूम नहीं पड़ता कि काटा चुभ गया मुझे और 5-7 दिन में इतना बड़ा घाव हो जाता है कि पाँव काटने तक की नौबत आ जाती है। और ऐसा होता है हमारे यहाँ देखते हैं मरीजों को, तो जूते हमेशा अच्छे पहनेंगे। एक बड़ी समस्या आ रही है कॉन्स्टिपेशन की और पेशाब, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन जो होता है ना, कॉन्स्टिपेशन कोई लैट्रिन नहीं हो रही, लैट्रिन नहीं हो रही तो लैट्रिन नहीं होना कोई बहुत ये सामान्य समस्या है। और होता क्या है कि हमारा मुंह से लैट्रिन तक का जो रास्ता है 30 फीट लंबा है, समझिए 10 मीटर लंबा रास्ता है। हम बावल पानी डालते हैं, पाइप इस्तेमाल करते हैं, पाइप से पानी डालते हैं सब जगह, उसको मोड़ कर रख दिया तो वैसे हमारे आते हैं, हमारे आते कम से कम 30 फीट लंबी है, मुख से लैट्रिन तक का रास्ता 32 फीट लंबा होता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, जैसे हमारा हृदय रहता है हर कोने में खून देता है, हर कोने में खून पहुंचा रहा है, यहाँ पे वो यहाँ पर रुकी है पाँव में 24 घंटे हृदय धड़क रहा है और सब जगह खून पहुंचा रहा है, तो वैसे हमारे आते खाने को पचा भी रही है और खाने को आगे धक्का भी दे दिया है। आंखों में अपने आप खुद का सिस्टम होता है, आप सो रहे हो, जाग रहे हो, बातें कर रहे हो, ये किसी भी काम में लगे हो, आते अपना काम कर रही है। अब होता है बढ़ती उम्र के साथ उन्हें खुद का नर्वस सिस्टम होता है, आंखों का खुद का नर्वस सिस्टम होता है, तो जैसे बढ़ती उम्र के साथ जैसे हमारे यहाँ आंखों का जो नर्वस सिस्टम है खराब होता जाता है, डायबिटीज ज्यादा हो, डायबिटीज कंट्रोल में नहीं हो, थायराइड की समस्या हो, ये जो लोग तंबाकू लेते हैं या जो लोग दुनिया भर जैसे चूर्ण वूर्ण खाते रहते हैं उनकी अगर हमसे काम नहीं कर रही उम्र के बाद, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिपेशन हो तो हमें इसको सामान नहीं लेना है, ये भी डायबिटीज का ही पार्ट हो सकता है, थायराइड के कारण भी हो सकता है, ठीक। तो सबसे अच्छा होता है कॉन्स्टिपेशन में कि हम लैट्रिन जाने का जो समय है वो फिक्स रखें, भोजन के बाद 5 मिनट बाद हम 5 मिनट लैट्रिन होकर आए, इस समय लैट्रिन में संभावना ज्यादा रहती है। भोजन ये खांसने का या पेट दबाने का प्रयत्न करते हैं, ये तीनों काम नहीं करना है, ये तीनों काम नहीं करना है। यदि आपने तीनों काम में से एक काम भी किया ना तो आपको पूरे वक्त लगेगा कि आपको लैट्रिन ढंग से नहीं होगी और दूसरा कुछ समय बाद लैट्रिन के रास्ते में घाव बन जाएंगे आप, जिसको कुछ लोग बवासीर कहते हैं, कुछ लोग पाइल्स कहते हैं, तो ये अच्छे नहीं चीज नहीं होती, ये फिर परेशानी बढ़ती जाती है, कम नहीं होती। वो दूसरा यदि हमें लैट्रिन की समस्या आ रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है और साथ में वेट लॉस हो रहा है, वजन कम हो रहा है हमारा, या हमें लैट्रिन के रास्ते खून आ रहा है या लैट्रिन काली हो रही है, मैं तीन चीजें बोली, लैट्रिन के रास्ते खून जा रहा है, हमारा वजन कम हो रहा है,
महीने भर में 2 किलो 4 किलो वजन कम हो गया, महीने भर में 5 किलो वजन कम हो गया, कॉन्स्टिपेशन। तो कुछ कुछ लोगों में कैंसर भी निकलता है, ऐसा नहीं सब में होगा, कुछ लोगों में 100 में से 5 लोगों में 7 लोगों में कैंसर भी हो निकलता है। आप बात समझिए, उसकी जांच करवानी है हमें। अभी कोई भी पुरुष कुछ भी नहीं किसी के पास भी, न बाबा रामदेव के पास है न अमेरिका में। तो सबसे अच्छा यही है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। सबसे ज्यादा अच्छा, मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर जाना बंद कर दें, या ऐसे हो जाए जब कोई नहीं हो, सिर्फ मंदिर में आप और भगवान हो। सबसे अच्छा यही, मास्क हमेशा पहने, और मास्क जब भी पहने नाक चेहरा दोनों ढका होना चाहिए, नाक भी ढके चाहिए, चेहरा भी ढका होना चाहिए, मतलब अपना मुंह ढका होना चाहिए। सबसे जरूरी दो चीजें, और कोरोना की स्थिति में भी आ रही है कि सिम्टम ही नहीं हो रहे लोगों को, तो यदि लगे कि हमें सांस तकलीफ है तो हमें इस मौसम में हाथ पर डॉक्टर को दिखाना है। अब ये समय छोड़ दीजिए कि कोरोना वाले वार्ड में रखेंगे, ये वो सब खत्म हो गया।